जय हो श्री कृष्ण भगवान की। अस तीसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मियों का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टा स्नेह संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयः भुजन्ते ते तुघं पापाये पंचात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बढ़ता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष बेअर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विषय में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति चरित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति चरित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीन लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ।
क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकटता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्रविहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित और ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छे प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी लात लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में बैरी जान, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा है ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। तीसरा अध्याय समाप्त। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बुजुर्ग हों, चल फिर ना सकते हों, बीमार हों, लाचार हों, आप उसने ये भगवद गीता जी का पाठ जरूर सुनाएं जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। मैंने ये भगवद गीता का पाठ शुरू किया है, तीसरे अध्याय तक मैंने पाठ कर दिया है, चौथा अध्याय अगली वीडियो में सुनाऊंगी। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की।